दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड 2 मूवी बनाकर ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जब से ये मूवी बनकर तैयार हुई है तभी से इस मूवी का कंट्रोवर्सीज के साथ ऐसा नाता बन गया है कि हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है जिसके चलते ऐसा लगता है कि भैया अक्षय कुमार की मूवी पता नहीं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी भी या नहीं। देखिये पहले ओ माय गॉड 2 के बारे में ये खबर आई कि भैया सेंसर बोर्ड ने ओ माय गॉड 2 पर कैंची चला दी है और कम से कम 20 सीन काट दिए हैं जो कि सेंसर बोर्ड को बिल्कुल सेंसिबल नहीं लगे, और उसके बाद खबर आई कि ओ माय गॉड 2 की स्टोरी ही लीक हो गई है। और दोस्तों अब खबर आई है कि ओ माय गॉड 2 में अक्षय कुमार खुद को शिवजी के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि दोस्तों ओ माय गॉड 1 में वो कृष्ण जी बन चुके थे और वो चाहते थे कि शिवजी के रोल में किसी दूसरे एक्टर को मौका दिया जाए। देखिए ओ माय गॉड 2 के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार खुद ही हैं और वो चाहते थे कि ओ माय गॉड 2 के शिवजी के रोल में आमिर खान को देखना, लेकिन फिर लाल सिंह चड्ढा का हाल देखने के बाद अक्षय कुमार को ये तो समझ आ गया कि भैया अगर आमिर खान को वो शिवजी के रूप में दिखाएंगे तो इतना बड़ा सवाल मचेगा कि पता नहीं फिल्म का क्या ही होगा, जिसके चलते आमिर खान का शिवजी बनने का रोल अक्षय कुमार ने काट दिया। और उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ अप्रोच किया और उसके बाद जब सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस रोल में फिट नहीं बैठे तो अक्षय कुमार ने सोचा कि भैया अब तो साउथ से ही किसी ऐसे बड़े एक्टर को ले लेते हैं जो कि डिमांड में भी है और लोगों को देखना पसंद भी है, क्योंकि साउथ की फिल्में और साउथ के एक्टर्स ही आज के टाइम पर एंटरटेनमेंट के नाम पर बिक रहे हैं। जिसके चलते अक्षय कुमार ने अप्रोच किया सीधा रामचरण से कि वो उनकी गॉड 2 की फिल्म में भगवान शिवजी का रोल निभाए, लेकिन रामचरण ने तो पहले ही हाथ जोड़ दिए कि नहीं सर जी, हमें नहीं बनना शिवजी, क्योंकि शिवजी जितने महान हैं हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। और फिर रामचरण के मना करने के बाद अक्षय कुमार को लगा कि भैया ये तो आपको ही करना पड़ेगा और फिर खुद बन गए शिवजी। और दोस्तों अब जब मूवी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है तो इस मूवी पर संकट के बादल छाए हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इस मूवी की रिलीज डेट को ही आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब इस मूवी में अक्षय कुमार जो शिवजी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं उस पर ही आंच आ गई है। दोस्तों अब देखना होगा कि क्या 11 अगस्त को ओ माय गॉड 2 रिलीज हो पाएगी या नहीं। बाकी दोस्तों इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।